हिम्मत सोचिएगा कि बंगलापन करके वही मुलाकात हो जाएगी। हमेशा तैयार रहते हैं और कई बार जेल की जगह भी नापे हैं। सर अभी एक्चुअली सोशल मीडिया ग्रुप्स में एक लेटर आया है जो आपकी तरफ से लिखा गया है दीक्षांत समारोह से रिलेटेड, उसके बारे में कुछ बात करनी थी। क्या मामला है, आपने छात्रों से कुछ आग्रह किया है? हाँ बस अब शांत हो गया है, आंदोलन वापस हो गया है, दीक्षांत समारोह होगा 2 तारीख को जी। तो सर कुछ मांगे भी थी छात्रों की, क्या उसके ऊपर प्रशासनिक कुछ कार्रवाई की गई है? मांगे यहाँ से नहीं थी, शासन से थी और शासन को व्यवस्थित रूप से भेजा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद सर। धरने पर हमारा एक मुख्य कारण यह है कि संपूर्णानंद से संबंधित जितने भी महाविद्यालय हैं उनमें जो कि निर्विवाद रूप से नियुक्तियाँ संपन्न कराई जा रही थी, लेकिन पिछले दिनों से सरकार की और विश्वविद्यालय की मंशा साफ नहीं है और सरकार ने इस विश्वविद्यालय के प्रति एक ऐसा आरोप लगाया है कि धांधली का आरोप, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। महाविद्यालय की नियुक्तियाँ बिल्कुल निर्विवाद तरीके से और बहुत ही स्वच्छ तरीके से की जा रही थी और बिना आयोग गठन किए यह निर्णय आता है कि नियुक्तियाँ रोक दी जाए। यदि सरकार ने आयोग का गठन नहीं किया है तो सरकार का कोई अधिकार नहीं बनता है कि नियुक्तियों को रोक लगाए। और आयोग गठन होने के बाद मांगे क्या है? मांगे हमारी यही है कि ये जो नियुक्तियाँ हो रही हैं और जो लगभग 25 से 30 फाइलें नियुक्तियाँ हो चुकी हैं और कुलपति की मंशा अच्छी नहीं है और वह अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, उनका अनुमोदन किया जाए और जो नियुक्तियाँ चल रही हैं उन पर कोई रोक ना लगाई जाए। यदि रोक लगाते हैं तो हम यह धरना तब तक चालू रखेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं। आगे 2 तारीख को दीक्षांत है, हम दीक्षांत का भी विरोध करेंगे और हम शासन से यह मांग करते हैं कि हमारी मांगों को माने और इस विश्वविद्यालय को एक गति प्रदान करें।